तो दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको एक्सेल का जो टोटल इंटरफेस है उसकी इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। तो पहले आपको पता चल जाए मतलब कहाँ से क्या काम करना है, उसके बाद आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप लेसन में आपको देते जाऊंगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहला टैब में चलते हैं जिसे होम टैब बोला जाता है। दोस्तों हर एक टैब में क्लिक करने के बाद क्या होता है, इस तरह का एक इंटरफेस आ जाता है जिसके अंदर बहुत सारे टूल रखा गया होता है। तो इसीलिए इस पार्ट को हम टूल बार कहते हैं या टूल रिबन भी कह सकते हो। मतलब एक लाइन में हो रहने वाले चीज को हम बार कहते हैं, लेकिन ये एक लाइन से ज्यादा है, मतलब दो लाइन जितने भी टूल है उसे दो या तीन रो में इस तरह से रखा गया है। तो दोस्तों इसीलिए ये जो टूल का एरिया थोड़ा बड़ा है, इसीलिए इस टूल एरिया को हम रिबन कहते हैं। तो दोस्तों ये होम टैब का रिबन हो गया, और इसके बाद ये जो इंसर्ट है उसमें क्लिक करने के बाद ये रिबन दिखने लगा, तो इंसर्ट का रिबन हो गया। और पेज लेआउट में जाने के बाद पेज लेआउट का रिबन, फॉर्मूला का रिबन, डेटा का रिबन, रिव्यू व्यू सभी का अलग अलग रिबन इस तरह से। तो हमें जो काम करना है हमें उसी टैब में जाना है, और उसके बाद उसके अंदर का जो रिबन दिखता है उसके अंदर जितने भी टूल है सभी टूल को यूज करके हमें काम को परफॉर्म करना है। तो दोस्तों हमें काम करने के लिए जितने भी टूल्स है सभी का बहुत ही जरूरत होता है, तो सभी टूल के बारे में हम इन्फॉर्मेशन लेंगे, लेकिन पहले हम इस सभी का नाम जान लेते हैं। जैसे टाइटल बार, इसको हम टैब कहते हैं, और ये जो पार्ट है टैब में क्लिक करने के बाद जो पार्ट यहाँ पे दिखाई देता है उसे हम टूल रिबन कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो इसका नाम, आप यहाँ पे मतलब यहाँ पे कर्सर ले जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो नेम बॉक्स लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे नेम दिखाने का काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो नेम दिखाता है वो मतलब यहाँ पे जो बॉक्सेस है बने हुए हैं सभी बॉक्सेस का नेम यहाँ पे दिखाया जाता है, तो इस बॉक्सेस को सेल बोला जाता है। तो सेल क्या है इसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको थोड़ी देर में देने वाला हूँ, लेकिन जो सेल का नाम दिखाने वाला बॉक्स है यहाँ पे, तो उसे बोला जाता है नेम बॉक्स, या आप इसे एड्रेस बॉक्स भी कह सकते हो अपने कंफर्टेबल के लिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एफएक्स लिखा हुआ है इस तरह से, तो इसको बोला जाता है इंसर्ट फंक्शन, या इसको आप देख सकते हो इसका नाम है फॉर्मूला बार। तो किसी भी सेल में जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं तो वो सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी दिखाई देता है, ये बॉक्स में फॉर्मूला बार फॉर्मूला बॉक्स में भी ये सेम चीज़ें हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों एक्सेल के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन हम लिखते हैं वो सभी को हमें फॉर्मूला बॉक्स में भी इस तरह से देख सकते हैं, और यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। अगर हमें सेल में एडिट करना कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके भी इसमें लिखेंगे, तो वही सेम चीज़ इस सेल के अंदर भी लिखा हुआ आ जाएगा इस तरह से। और दोस्तों अब हम चलते हैं एक्सेल के सबसे जो मेन पार्ट है जिसको हम वर्क करने के लिए यूज़ करते हैं उसके अंदर। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो पार्ट है जिसके अंदर 1 2 3 4 इस तरह से लिखा हुआ है, और इधर लिखा हुआ है ABCD। तो इस पार्ट को, इस होल पार्ट को, इस होल एरिया को सीट बोला जाता है। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो सीट 1 इस तरह से लिखा हुआ है, तो इस होल एरिया को सीट बोला जाता है। तो हम जो भी काम करते हैं इस सीट के अंदर ही करते हैं। तो दोस्तों एक सीट में ये जो नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 से लेके मतलब बहुत सारे नंबर, नीचे हम जितने भी स्क्रोल करेंगे नीचे जाएंगे उतना ही नंबर बढ़ता ही चला जाता है, और आगे यहाँ पे आप देख सकते हो ए से लेके मतलब यहाँ पे टी, और टी के बाद भी और बहुत सारे नंबर होता है, मतलब जितने हम इधर जाएंगे उसी तरह डिफरेंट डिफरेंट नंबर हमको दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों इस तरह का जो नंबरिंग है ABCD या 1 2 3, तो इसको सीट का हेडिंग बोला जाता है। एक टॉप में है और एक क्या है इस लेफ्ट साइड में। तो दोस्तों ये जो टॉप में जो हेडिंग देख रहा है ABCDEFGH, तो इस हेडिंग को कॉलम बोला जाता है। जैसे मतलब ये बी में जो मैं क्लिक किया हूँ तो पूरे मतलब बी के नीचे जितने भी होगा सभी सिलेक्ट हो जाएगा, तो इसको कॉलम बोला जाता है, सभी को कॉलम बोला जाता है। मतलब ए कॉलम हो गया, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, एफ कॉलम, इस तरह से सारे कॉलम है, मतलब जो वर्टिकली मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाता है उसको हम कॉलम बोलते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो इधर 1 से लेके ये नीचे बहुत सारे नंबर है जो सीट का लेफ्ट पोजीशन में, तो इस सभी को रो बोला जाता है। जैसे रो 1 हो गया, रो 2 हो गया, रो 3 हो गया। तो दोस्तों एक सीट का कंस्ट्रक्शन कुछ इसी तरह का होता है। तो हम सीट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और सीट इज जैसे एक एक्सेल का जो सीट होता है तो सीट किस तरह से बना होता है, तो सीट इज मेड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो दोस्तों एक्सेल का एक सीट के अंदर कितने रो और कितने कॉलम होता है, तो दोस्तों चलिए इसको जानते हैं। तो इसको मैं स्क्रोल करता हूँ नीचे की तरफ, तो आप देख सकते हो मतलब बहुत सारे रो, मतलब आप देख सकते हो ये इंड ही नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसको जितना भी मैं नीचे स्क्रोल कर रहा हूँ उतना नया नया रो यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका जो लास्ट रो है वो कितना होगा, तो इसको जानने के लिए हमें क्या करना है, हमें लास्ट रो में जाने के लिए क्या करना है, कंट्रोल और डाउन एरो को प्रेस करना है। तो चलिए मैं कंट्रोल और डाउन एरो को प्रेस करता हूँ, और इसके बाद हम चले जाएंगे लास्ट रो में। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये है लास्ट रो, मतलब इसका जो लास्ट नंबर है इससे नीचे अब नहीं है, आप देख सकते हो इसके नीचे पूरे ब्लैंक आ रहा है। तो ये है हमारा लास्ट रो, और लास्ट रो कितना है 10,48,576। तो दोस्तों एक सीट के अंदर इतने सारे रो होते हैं, तो मतलब कितना भी बड़ा वर्क्स हो हम एक ही सीट के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो हमारा पोजीशन है वो लास्ट रो के अंदर है, तो अब हमें अगर ऊपर जाना है तो क्या करना है, तो दोस्तों सबसे टॉप रो में जाने के लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल और अप एरो को प्रेस करना है। तो चलिए मैं कंट्रोल और अप एरो को प्रेस करता हूँ और देखते हैं, कंट्रोल और अप एरो।
तो दोस्तों आप देख सकते हो कंट्रोल और अप एरो को प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट रो में आ चुका हूँ। तो दोस्तों एक सीट के अंदर का जो टोटल रो है उसका नंबर हमें पता चल गया। अब हम पता करते हैं कॉलम को।